Prithvi festival ki aaj shuruaat hui hai to Prithvi festival ki kitni importance hai aur kahan artist ko ek platform milta hai Prithvi festival Prithvi थिएटर से जो हमारा रابطہ है वो शुरू से ही है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे पेरेंट्स के घर के सामने बना है जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब भी हम लोग मौजूद थे और जब कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शंस यहां लिए थे कि कैसे रेजिडेंशियल एरिया में थिएटर बनाएंगे तो मेरे अब्बा और मम्मी कैफी आजमी और शौकत कैफी हर वो इंसान के घर गए जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया था और उनको ये बताया था कि ये पृथ्वीराज जी का ड्रीम है और ये कितनी इंपॉर्टेंट कल्चरल स्पेस है जो हमारे मुंबई शहर को मिलेगी और चुनांचे यही हुआ कि आज पृथ्वी थिएटर ने अपने लिए एक जैसी जगह बनाई है तो मुल्क में ये कहा जाता है कि वी नीड टू क्रिएट अनदर पृथ्वी थिएटर जाहिर आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है बहुत इंटीमेट एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस का भी और आर्टिस्ट का भी और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने अपने कई प्लेज यहाँ पृथ्वी थिएटर में किए मैम मैम एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि एक खुला वातावरण हो लोगों का सुख ये अगर आप नहीं पूछते तो फिर आप टेलीविजन होते ही नहीं थैंक यू साथियों रोलिंग सोहा पृथ्वी यू नो जो फेस्टिवल होता है यहाँ पृथ्वी थिएटर में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपकी कितनी यादें जुड़ी हैं खास करके पृथ्वी थिएटर से आई लव थिएटर मैं बहुत बड़ी फैन हूँ थिएटर की और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत थिएटर मुंबई में है और ये एक मौका है सबको जो हम सब थिएटर पसंद करते हैं और मैंने थोड़ा सा थिएटर किया है लेकिन अभी काफ़ी साल हो गए हैं दिल्ली में और लूशन दी के साथ मैंने एक प्ले किया था एंड आई नो के ललित जी का एक प्ले यहाँ पे इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगा तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट एज वेल तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आज तो कॉमेडी इज द प्ले दैट वी आर गोइंग हियर टू सी सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कुणाल सर थिएटर हमारी संस्कृति का एक एक हिस्सा रहे हैं जी आपको लगता नहीं है कि मल्टीप्लेक्स ज़्यादा हो रहे हैं थिएटर बहुत कम तादाद में एक आदि होगा शहर में देखिए वो बहुत ही सैड सिचुएशन है क्योंकि थिएटर को जितना यू नो एक्सपोजर मिलना चाहिए हमारे शहर में नहीं मिलता मुझे पृथ्वी से बहुत लगाव है एक आइकॉनिक थिएटर है यहाँ पे मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे फादर भी यहाँ पे प्ले करते थे लैला मजनून की प्रोडक्शन थी जो आलोक नाथ जी भी थे उसमें मैंने खुद पृथ्वी में परफॉर्म किया है एक शो था शाम रंग करके जो जिसके परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई थी और अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं जो थिएटर करते हैं हम उन्हें देखने आते हैं गुजराती थिएटर है इंग्लिश थिएटर है हिंदी थिएटर है कहीं ना कहीं गुजराती थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल है लेकिन हिंदी थिएटर चाहता हूँ उसे और बढ़ावा मिले ताकि और लोग आएँ क्योंकि इतनी सारी मेहनत जाती है यू नो प्रोडक्शन करने में लेकिन आई थिंक द बजट्स डोंट वर्क आउट इन अ वे कि और लोग नहीं आना बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हो रहा है अभी भी सो आई थिंक थिंग्स लाइक दिस पृथ्वी फेस्टिवल एंड ऑल जितना एक्सपोजर मिलेगा और जितना मीडिया इसको सपोर्ट करेगी इल काइंड ऑफ गो टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर श्योर ओके सो आपसे पूछना चाहूँगा यू नो एक आर्टिस्ट का एक कलाकार का कोई मजहब नहीं होता है और इंटॉलरेंस को लेके जिस तरह का माहौल आज इंडस्ट्री को यू नो कभी शाहरुख को टारगेट करा जा रहा है कभी कोई कोई अवार्ड लौटा रहा है कोई लेने कोई किसी और सपोर्ट में फड़ा रहा है आप क्या कहना चाहेंगे नो शर्मिला जी सैफ आपके भाई इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा रहे हैं और इतना बड़ा वक्त दिया है और आज इस मुद्दे को लेके जिस तरह से बवाल हो रहा है वी आर हियर टू सेलिब्रेट द आर्ट्स और आज हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं टू सेलिब्रेट द आर्ट फेस्टिवल यहाँ पे पृथ्वी में एंड आई थिंक दैट ये जो हो रहा है ऑफकोर्स मैंने ये पहले भी कहा था कि आई एम अगेंस्ट इंटॉलरेंस अंडर एनी गवर्नमेंट इन एनी टाइम पीरियड और जिनको अवार्ड्स वापस करने हैं वो उनका हक है जिनको नहीं करना है वो उनका हक है सो इट्स रियली अ पर्सनल मैटर बट आई थिंक इंडिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी कल्चरल प्लुरिटी एंड प्लुरलिज्म एंड वी मैनेज टू लिव टुगेदर फॉर मोर देन 60 ईयर्स इन रिलेटिव पीस एंड हार्मनी एंड आई जस्ट होप दैट कंटिन्यूज जो अवार्ड वापस हुए हैं उसमें हिंदूज ने भी वापस किए हैं मुस्लिम्स ने भी वापस किए हैं तो ये रिलीजन को जोड़ना इनटॉलरेंस से क्या ज़रूरी है और आप ये जायज़ समझती हैं रिलीजन को जो जोड़ा जा रहा है ये तो काफ़ी सालों से होता जा रहा है इट्स नॉट अ न्यू थिंग एंड आई थिंक दैट दैट्स व्हेन यू लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर आर मेनी रिलीजन्स एंड मेनी आइडेंटिटीज़ और एक डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे देयर टेंड्स टू बी पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी और हम सब गिल्टी है इसमें द मीडिया ऑल्सो हैज़ हैंड टू प्ले इन दैट सो आई शुडन्ट कॉमेंट ऑन इट टू मच सोहा मैम जैसे जैसे बहुत सारे एक ग्रुप्स हैं जैसे मॉन्टले हैं अंश है तो आप कुणाल आपका और सोहा का कोई एक हम थिएटर को देख पाएंगे कि आप कुछ कर पाएँ थिएटर के लिए